खबर सहरसा जिले से है, जहां आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रेक्षागृह में राजद के प्रदेश युवा विंग के सभी पदाधिकारियों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान राजद के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत ढोल नगाड़े के साथ जेसीबी से फूलों का वर्षा भी किया गया। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा अगर बिहार में किसी नेता से डरती है तो वो लालू प्रसाद यादव से डरती है। लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ाई तगड़ा होगा और सत्य की जीत होगी और हम लोग जीतेंगे भी। भाजपा कर्नाटक और हिमाचल हारी है, अभी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान भी हारेंगे। इस वजह से सब एकजुट हुए हैं। वही जातीय जनगणना को लेकर उठ खड़े सवाल पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों पर जमकर बरसे और कहा, अगर जातीय जनगणना से सभी को आपत्ति है तो उनके ही सहयोगी दल है भाजपा और उनका प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको कहकर एक बार फिर जनगणना करवा ले। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, कठिनाइयां आएंगी, लड़ाई तगड़ा होगा, लेकिन अंत में विजय सत्य का ही होता है और सत्य जो है वो जीतेगा। हम लोग जीतेंगे। अभी तो बिहार से बाहर किए, अभी कर्नाटका हिमाचल हारे हैं, अभी छत्तीसगढ़ हारेंगे, मध्य प्रदेश हारेंगे, तेलंगाना हारेगी बीजेपी और राजस्थान हारेगी। देखिए वाले नहीं, तो हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं और लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। हाँ, बिहार से सबसे ज्यादा डरती है तो बीजेपी, बिहार से सबसे ज्यादा डरती है। अब कोई एक नेता से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो लालू जी से। साजिश चलता रहेगा, घबराना नहीं है, कुछ होना जाना नहीं है। आप लोग एक रहिए चट्टानी एकता के साथ तो कुछ नहीं होना है। षड्यंत्र तो साजिश चल ही ना रहा है। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गन्ना हो और आज लोग आपत्ति लगा रहे, धन्यवाद नहीं कर रहे, बल्कि सभी लोगों का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार के महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नारायण के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नारायण के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही आपत्ति है, चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है। बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए, अगर आपका आपत्ति हो रहा है तो देखा।